सभी दिवाली फिल्म में यो-यो हनी सिंह के म्यूजिक के साथ साथ रैपर भी थिरकेंगे सलमान खान और पूजा हेगड़े। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जिसका टाइटल भाईजान हुआ है, इस फिल्म को बनाने का ऐलान जब से हुआ है तब से ये फिल्म काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट फैंस देखना पसंद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस फिल्म से जुड़े हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती ही रहती है, लेकिन इस समय जो खबर काफी चर्चा में है वो है इस फिल्म के गाने को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि काफी लंबे सालों के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी करने वाले यो-यो हनी सिंह इन दिनों उनके गाने को लेकर काफी बिजी हैं। उन्होंने आते ही कई नए गानों को लॉन्च किया है जिसे लोगों ने पसंद भी किया है। तो अब फिल्म भाईजान से जुड़ी खबर ये है कि जैसा कि यो-यो हनी सिंह एक बार फिर बॉलीवुड के भाईजान यानी के सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान की फिल्म भाईजान में एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है जिसमें यो-यो अपनी आवाज और म्यूजिक देने वाले हैं और इस सॉन्ग में रैप भी होगा और उसमें सलमान खान और पूजा हेगड़े डांस करते नजर आने वाले हैं। फिर बहुत जल्द इसे फैंस के बीच रिलीज भी किया जाएगा। इससे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी सॉन्ग बाकी सभी गानों से हटकर धमाकेदार और दमदार होगा और इसे लेकर लोगों में फैंस में काफी अच्छा खासा बज देखने को मिल सकता है। कभी ईद कभी दिवाली इस फिल्म को फराह सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला है। ये फिल्म 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के सिवा सलमान के पास और भी कई फिल्में हैं, जैसे टाइगर 3 है। इसके बाद वो अनिल कपूर और फरदीन खान के साथ ट्रिपल रोल करते हुए फिल्म नो एंट्री में दिखाई देंगे। फिर पठान में ऐसे कैमियो करेंगे। उसके बाद भी उनके पास कई फिल्मों की लिस्ट है जिनमें किक 2, बजरंगी भाईजान 2 जैसी फिल्में शामिल हैं।